हलो फ्रेंड मधुरापुरी चेनल इनकी नाम पाल कुट रेडी पड़पो इन वो इरनूर ग्राम मैं पचरी अलग उपलब्ध सेक सेटा वो मिक्स पड़ी मिक्स पड़े लाइटा वो तेली तली ना अब मे रेडी पड़ो लाइटा तनी तरच आरम ना तेकूड़ा मेवान अल्व लाइटा तली तली रेडी पड़े वो पक रेडी पड़ो ना पच ती ऊपर रेडी पड़े मेरी बाहर मव ना रेडी पड़ो साफ्टा इप्ली वो उटे उटे सईज वो अंदमि उटी उटे मिच ना ये वे कड़स पाकल मव नंब मूड़ मूड़ वो का वरुपी इतना मूड़ तेजर इत वो ना तुवि ना अरेचिक वे अरेचिक अरे मुड़ी तेजा ना तुरे दूर चिना अरे मुड़ी तेजा ये ना पकड़े पक ना अरेचिटे तुवि ऐल तुवि पटा ना तेजा पाला वो ना पाल कुल कटी पाल तनिया पाल ऊपर रोम तनिया ना मिक्स अरे और अधिकान पात्र वोचिकल अर लिटर तीन अब सेक सी ना कुछ मूड़े पे मूड़ वाल ती ना कुछ नाम ये वह बाल अभी सेतको तीन ना कुछ इंबे वचर अरटी वचर उल सेक नाल सेको नाल ना से अभी किंडी उड़न अड़ी पिटा अंदमारी निपाटी मिच ना सेक से अब किर किरी विटको कोलकट वंदरसान पापो अब तटल वह ना वंदरची नंब ना चल वो अव वो ना करे करे अंत पाल कुल कट कटिया वो अदी तव ए ना अव वो अभी ना करेचिकन कटी कटिपड़ ना करेचिकन इन नम्बर करेची वो मव कटी ना पाल पक करेटो इोड़ नंबर कलकोटो ना सेत सोर किंड किंडी अड़ पिटा पक पिंड ना वो जीनी सेको उंगट वो मंड वो ना सकोड़ सेक ना तल तल कु वरण मव करेच ऊती ना कटी आगे ना इरनूर अरसि पचरी मावुक नारूर जीनी पड़प नहीं मंड वाल अंदर इला नंब अभी अड़ पिटाद अब किंडी उड़प जीनी से इनि से अड़ पिटा अड़ पिटाद ना अभी किंडिकटे वो सवान पाल कुल कट रेडी आटे कुछ कटी आगे बाहर ना वो नूर जीनी पटर उल्व इनिपोड़ अल्व कमिया अलव कुछ कटी पक वरण
பாருங்கள் அடுப்பை சிம்மலாக வச்சுருவோம். ஜீனி நம்ம சேர்த்ததுனால ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது, முறுகிடும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா தேங்காயை அதோடு சேர்த்துக்கலாம், தேங்காயை அதோடு சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் பூவாக போட்டோம்னா டேஸ்ட்டு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி அரைச்சி ஊற்றினோம்னா தேங்காய் பாலை ஊற்றினாலும் தண்ணி ஆயிரும் ரொம்ப. இப்படி இப்படி மாதிரி குழம்பு கரைச்ச மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக அரைச்சிக்கிட்டோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்படி எல்லா தேங்காயும் நம்ம ஊற்றிடலாம். பாருங்க, சுவையான பால் கலப்பிட்ட ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும், ஆறினோன்னு சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். சுவையான பால் கலக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது பெரியவங்கலேருந்து சின்ன பிள்ளை வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு. சுவையான பால் கலக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.